राम राम जी सारे। अज की नवी वीडियो दे हिंदी दे एमसीक्यू पार्ट तीजा, ये तकरीबन तकरीबन 40 एमसीक्यू होंगे, थोड़े वध भी हो सकते हैं। बाकी तुम्हें तो पता ही है, जिदा आप एक्सप्लेन करते हैं उन्होंने क्वेश्चन की गिनती इनक्रीज हो जाती है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। वीडियो वधिया लगे तो लाइक कर दियो, ना वधिया लगे तो डिसलाइक कर दियो। तो अगर कोई सजेशन या कुछ भी तो कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स च लिख दियो, तो चैनल में सबसक्राइब भी कर दियो, तो फ्रेंड्स के नाल शेयर भी कर दियो। जो भी हिंदी के रिलेटिड कोई एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वह NTT का है, चाहे CTET है, चाहे HTET है, KVS है, NVS है, चाहे ETT का सैकेंड एग्जाम आ जिद भी हिंदी आती है, वो हेल्पफुल रह सकती है। राजस्थान के पेपर होंगे चाहे हरियाणा के पेपर हो, जिद हेल्पफुल रह सकती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। निरर्थक का सही संधि विच्छेद असी कीता सी। निरर्थक का संधि विच्छेद मतलब तोड़ना है इन्हों, किदा इन्हों तोड़ सकते हैं। पहले तो ऑप्शन है जी सी, नेह प्लस अर्थक। इच रूल दे हिसाब दे नाल इहदे विच विसर्गे वाला आंदा आ, ये गलत आ, आ तो बिल्कुल गलत आ। अगर किसी ने तुक्का लाना तो ए ते सी दे विचों लाएगा, लेकिन ए गलत आ जी। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, संगम, संगम को अगर तोड़ना होवे तो संगम का सही संधि विच्छेद है जी। हुण तुक्का लाने वाले ने आह ला देना जी, ये नहीं हैगा, आ तो है ही नहीं, आ भी नहीं हैगा। सही ऑप्शन है जी बी। तो तुसी कहना सर ए भी तो उही आ, बी भी उही आ, ए ते बी सेम नहीं हैगे। बी दे विच की आ, म स्वर रहित हलंत पाया होया, इस करके बी ऑप्शन ठीक है जी साढ़े को। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाल चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है जी, शेर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, मतलब शेर का होर केड़ा मतलब नहीं हैगा। शेर नु सिंह कहंदे आ, वनराज भी कहंदे आ, मृगराज भी कहंदे आ। ध्यान रखियो आ, कईयों नु पता नहीं हुंदा, आ डी ऑप्शन आ, मृगराज भी कहंदे आ, लेकिन की नहीं कहंदे, घोटक नहीं कहंदे, घोटक घोड़े नु कहंदे आ जी। सो ऑप्शन आ जाना बी, ऑप्शन आ जाना जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है, यानी प्रतिकूल दे विच असी केड़ा उपसर्ग यूज कर सकते हैं। प्रतिकूल च असी यूज करते हैं जी उपसर्ग, सानू पता जो अगे लगदा, प्र ता अगे लगा होया, लेकिन अगर प्र नु कर दिए कि जो वर्ड बचता है वह कोई मतलब हैगा नहीं हैगा, ता आ ता हो ही नहीं सकता, बचा की है डी, ए भी नहीं हैगा, ऑप्शन डी सही है जी। क्वेश्चन नंबर फाइव, जागरण, जागरण का मतलब हुंदा जागना, ते इहदा हुण तुसीं कहना सर जागरण का मतलब जागना, तां इहदा मतलब तां सोना हुंदा है, विलोम मतलब वो अपोजिट यानी उल्टा, सोना होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर हुंदा जागना, जागना हुंदा या जगना हुंदा फिर आपां कहना सी सोना, लेकिन इत्थे लिखा जागरण, जागरण दा होना निद्रा। कुछ शब्द तत्सम हुंदे आ, कुछ तद्भव हुंदे आ। तत्सम जो संस्कृत दे शब्द एज इट इज हिंदी विच आंदे आ, तद्भव केड़े हुंदे आ जो हिंदी दे विच आंदे आ संस्कृत तो कुछ मोल्ड होके, कुछ चेंज होके, तो जवाब तत्सम का उस हिसाब ने देना पैंता, तो तद्भव का उस हिसाब ना। सो जागरण का हैगा जी निद्रा, पंजवें का ऑप्शन हैगा जी ए। क्वेश्चन नंबर छे, प्रख्यात, प्रख्यात च उपसर्ग केड़ा मतलब केड़ा सही है जो अगे लग्या होया, हैगा जी प्र, इच ठीक है जी। प्रख्यात दे विच आत्ता हो नहीं सकता, आत्ता प्रत्यय हो सकता, असी उपसर्ग की गल करते तो प्र आ जी। क्वेश्चन नंबर सत्त, कपाट, कपाट का मतलब होता बूहा यानी कि दरवाजा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला आ गया जी सूत, सूत इतने बेटा नहीं हो सकता, अगर ना पुत्र हो, बेटा ते पुत्र तो सेम आ, बेटा ते पुत्र उदो होना सी अगर हुंदा जी सुत, सुत का मतलब हुंदा पुत्र ते बेटा, पर इतने सूत आ, सूत का मतलब है धागा, सूत का मतलब धागा, सूत का मतलब सारथी भी हो सकता है, ठीक है जी।
लेकिन इतने तक आया। अगला केड़ा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब केड़े शब्द विच उपसर्ग नहीं लग्या, मतलब जिदा असी अगर विच्छेद करते हैं तोड़दे कोई उपसर्ग नहीं निकलता, वह है जी सुरेश। सुरेश च कोई भी उपसर्ग नहीं लग्या, ध्यान रखियो। क्वेश्चन नंबर 10 अगला, ये तुसी दसने हैं जी ये चो केड़े तद्भव आ, तद्भव केड़े आ, तद्भव, ठीक है जी, एक सेकंड, तद्भव, तद्भव, तद्भव मीन्स ओ शब्द जो हिंदी वेच आए आ, कितों आए आ, कितों आया, संस्कृत चो आए आ, आ पहला क्वेश्चन आ जी, आ दूजा क्वेश्चन, तद्भव केड़े आ, दसवें दा हैगा जी ए, दसवें दा हैगा जी ए, दूध। हुण कहना सर पता कितना लगे, देखो तत्सम दी ना कुछ पछाण आ, तत्सम च एक ण कई बार बहुत यूज हुंदा आ, जिदे दे विच होया, जिदा दुध सानू पता है कि आम वर्ड आ, दुग्ध मतलब होर ही भाषा लगती है जे अपना पंजाबी वाली, ते दुग्ध देख के पता लगता। हुण अग्नि आ, अग्नि नूं आपां कहिंदे अग, या हिंदी च कहिंदे आ आग, उह तां हो गया तद्भव, लेकिन अग्नि मतलब जो संस्कृत का वर्ड आ हो गया तत्सम, पर तद्भव पूछा है जी दूध। पछाण हो जाती है जेडे थोड़े बोलने च औखे लगन, जे चढ़ाणा लगा हो, ठीक है, अणा लगा हो, एक हों जे अद्धे अक्षर हो, कई बार अद्धे अक्षर भी आते, काफी बार जिदा दुग्ध आया, अग्नि आया, या रीरी भी लगती है, होंगे तत्सम जिच रीरी भी लगती है, ये तत्सम होंगे आ, जिन्हों चार चीजा नहीं होंगे बोलन च भी सिंपल आ, वह साढ़े को होंगे जी तद्भव, ठीक है जी। हुण अगला क्वेश्चन, अगले जो तद्भव असी लभना आ, रात्री दही दधी या मयूर। देखो मयूर हुंदा मोर, नो डाउट मयूर मोर आ, लेकिन हुण मयूर दा सौखा वर्ड की आ, मोर मतलब वह तो मोर होगा तद्भव, मयूर हो गया तत्सम, यह है नहीं। दधी दही नूं ही कहिंदे आ, मतलब ये तत्सम आ, रात्रि रात नूं कहिंदे आ, मतलब तत्सम आ, बचिया की आ तद्भव दही, ठीक है जी, दही तद्भव आ। अगला नेक्स्ट है जी साढ़े को, तद्भव दसने जी हजे भी, दिवस अर्ध शत या दिन। देखो दिवस दिन ही हुंदा आ, इहदा मतलब ये तो हो गया तत्सम, शत मतलब सौ यानी तत्सम, अर्ध मतलब अद्धा तत्सम, दिन दिन ही हुंदा, ये तद्भव, ठीक है जी। चौथा मुंह मुख, मुख तो मुंह ही हुंदा आ, ते इहदा मतलब सौखा इहदा हुंदा मुंह, मतलब ये तत्सम आ, ग्रह मतलब घर या गृह मतलब घर, ये भी तत्सम आ, पद मतलब कोई ना कोई जो सानू मिलता हुंदा, जिदा कोई किसी पद ते हुंदा, जिदा कोई ऑफिसर हुंदा आ, सो ये नहीं हैगा, इच तद्भव केड़ा आ, मुंह आ जी, मुंह। अगला निद्रा खेत क्षेत्र या सप्त। हुण देखो निद्रा मतलब नींद, ये हो गया तत्सम, क्षेत्र मतलब कोई खेत कह लो या कोई जगह कह लो, इदा कह सकते, ये भी नहीं है, सप्त मतलब हुंदा सत, ये भी तत्सम है संस्कृत दे, खेत तद्भव आ जी, सो खेत है जी तद्भव, इहदा ऑप्शन है जी सी। सो पता लग जाता वा त्र बड़ा यूज हुंदा वा, क्ष यूज हुंदा आ, अद्धे अक्षर यूज हो रहे आ, मात्रा यूज हो रही पैरां वाली, इदा दे औखे शब्द यूज हुंदे, तत्सम हुंदे आ, सौखे तद्भव। जिदा आपां इक पढ़ गए सी घोटक, घोटक भी तत्सम आ, घोटक का तद्भव की हुंदा, मैं दस्सिया सी घोटक की आ घोड़ा, उहदा तद्भव की हुंदा घोड़ा, याद रखियो, ठीक है, सारे ने मतलब भी दसते है, मतलब अगर इन्हां तत्सम दे तुहानूं तद्भव आवे ते तुसीं पछाण सकदे आ, क्षेत्र दा खेत भी हो सकदा, होर भी हो सकदे। अगला कहिंदे किहदे विच आवा प्रत्यय नहीं आ, मतलब आवा तां लगा होया लेकिन प्रत्यय प्रोपरली नहीं लगा होया, तां है जी लावा, लावा च प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जो सुख छज्जू के चुबारे में वह ना बलख ना बुखारे, मतलब वह जो सुख छज्जू के चुबारे वह ना बलख ना बुखारे, ये कदों यूज करीदा सी, जदों ये दसना होवे कि घर वांगू सुख किते भी नहीं मिलता, मतलब घर च जाके जो शांति मिलती है, असीं जिन्ना मर्जी घूमण चल जाइए लेकिन जो अखीर शांति आ वह घर जाके ही पैंदी आ, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नैक्सट, क्वेश्चन नंबर 17, गमन का विपरीत अर्थ, मतलब गमन का विलोम बनाना आ, पुट्ठा बनाना आ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਸਰਗ ਲਗਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਸ਼ਰ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਪਰੀਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆ, ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਜੀ ਆਗਮਨ, ਗਮਨ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਆਗਮਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ 17ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਸਜਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਹ ਸੌਖਾ ਆ 18ਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਣਗੀਆਂ ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੱਤ ਜਨ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਫੋਟੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸੱਤ ਜਨ ਸੱਤ ਦੇ ਪੈਜ ਹਲੰਤ ਆ ਪਲੱਸ ਜਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੱਤੇ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਹਲੰਤ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਹਲੰਤ ਨਾਲ ਜੱਜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧਾ ਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 20 ਹਾਫ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਾਂਪ ਕਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਵਾਚੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਂਪ ਨੂੰ ਸਰਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁਜੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਭੁਜੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕੁਸ਼ਚਨ 21 ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੋਵੇ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਆ ਮਤਲਬ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਲੱਸ ਅਸਤਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਲੱਸ ਅਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਠੀਕ ਆ ਬ੍ਰਹਮ ਪਲੱਸ ਅਸਤਰ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਚ ਰਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 22 ਪਵਨ ਪਵਨ ਕਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਕੱਲ ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਰੋ ਪਲੱਸ ਅੰਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਵਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਵਨ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਪੋ ਪਲੱਸ ਅੰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਵਣ ਚ ਆਦਿ ਮਾਤਰਾ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚ ਆਦਿ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਵਨ ਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਪੋ ਪਲੱਸ ਅੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਦਿ ਮਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੈਂਦੇ ਦੋ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਆਦਿ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਨ ਫਿਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪੋ ਪਲੱਸ ਅੰਨ ਆਹ ਬਣਨਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨੀ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 23 ਜਿਸਕੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 24 ਗਿਰੀਸ਼ ਕਾ ਸੰਧੀ ਵਿਛੇਦ ਗਿਰੀਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਰੀ ਪਲੱਸ ਈਸ਼ ਗਿਰੀ ਚ ਦੋਨੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਈਸ਼ ਚ ਵੱਡੀ ਈ ਗਿਰੀ ਪਲੱਸ ਈਸ਼ ਗਿਰੀਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 25 ਨਿਸ਼ਚਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡੀ ਨਿਹ ਪਲੱਸ ਚਲ ਨਿਹ ਪਲੱਸ ਚਲ ਨਿਸ਼ਚਲ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਰਾਕੇਸ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਤੁੱਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਕਾ ਪਲੱਸ ਈਸ਼ ਰਾਕਾ ਪਲੱਸ ਈਸ਼ ਵੱਡੀ ਪੈਣੀ ਆ 26 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ 27 ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ ਪੋ ਪਲੱਸ ਇਤਰ ਪੋ ਪਲੱਸ ਇਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਨੀ ਓ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਸ਼ਚਨ 28 ਚਿਰਾਯੂ ਮੈਂ ਉਪਸਰਗ ਚਿਰਾਯੂ ਚ ਉਪਸਰਗ ਕਿਹੜਾ ਆ ਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਆ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਆ ਬਚਿਆ ਕਿਹੜਾ ਉਪਸਰਗ ਚਿਰ ਚਿਰਾਯੂ ਚ ਚਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 28ਵੇਂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚ ਪ੍ਰਤਿਆਏ ਕਿਹੜਾ ਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਧਾਨੀ ਆ ਉਹ ਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਆਨੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਈ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਈ ਆ ਕਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਈ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਦਾ ਆ ਸਾਵਧਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਸ਼ਰ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਪਲੱਸ ਈ ਕਰ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਆਇ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਈ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30 ਬਸ ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ
संस्कार का उपसर्ग, संस्कार च केड़ा उपसर्ग होया जी? ऑप्शन नंबर ए सम। बहुत ने आह ला देना, आ नहीं लाना, ध्यान रखियो ए लाना, तीए दा ए। क्वेश्चन 31, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग? ध्यान ना जी, उपसर्ग पूछा, उपसर्ग कौन सा उपसर्ग? सो एदा ऑप्शन है जी डी, प्रति, 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 अल्लाह लगता पंजाबी दा, सॉरी, प्रति, प्रति, ठीक है जी, प्रति उपसर्ग लाने दा जो अगे लगता प्रति। कत्ती में आ गया जी डी। क्वेश्चन नंबर 32, प्रत्युत्तनमति, प्रत्युत्तनमति में कौन सा उपसर्ग है? हम तो तुसी पहचान ही गए होने, ऑप्शन केड़ा जी? ऑप्शन है जी बी, प्रति, एच भी उपसर्ग है, सेम सी। क्वेश्चन नंबर 33, सन्मति, हुण फिर पहचान गए हैं, बहुत सौखा वा, हुणे पढ़ के आए हैं, सन्मति, सत प्लस मति, सत प्लस मति, हुण आ ना ला दियो किते ध्यान नाल, हुण तां अपनी प्रैक्टिस भी बहुत हो गई आ, हुण नहीं गलती करनी, हुण तां बस पेपर च नंबर लेने आ। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, इत्यादि, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्यादि, 34 दा डी, यादि ना ला दियो किते, हलंत वाले ना भुलेखा ना खा लियो, ध्यान नाल इति प्लस आदि हुंदा। इतो एक चीज पता लग गई कि अगर ई दे नाल अ दी मात्रा या आ दी मात्रा वाल लग जावे वो की बन जांदा भाई? वो बन जांदा या बन जांदा। ध्यान रखियो रूल थोड़े थोड़े नाल ही क्लियर हो रहे हैं, ध्यान रखियो। 35वां, ए जेडे अगले तीन क्वेश्चन तुसीं दसने तत्सम, पहला तद्भव सी, हुण दसने तत्सम केड़े आ, तत्सम, तत्सम जेडे बोलन चौखे होण। घोटक मैं दस्सिया सी तां भाई घोड़ा हुंदा, ठीक है जी, ये की हुंदा घोड़ा, सो तुरंग भी नहीं, सो आ तां है ही तद्भव आ, इह च सिर्फ घोटक सही आ, तत्सम केड़ा वा? घोटक, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य, सूरज, दिनकर, भास्कर, ए देखो इच सूरज साडा हिंदी दा वर्ड आ, दिनकर, भास्कर इहदे पर्यायवाची आ सूरज दे, सो पूरे सूरज दे पर्यायवाची भी याद हो गए, हुण सारे सूरज दे नाम आ, लेकिन जो तत्सम आ जो साडे को संस्कृत तो आया वह हैगा सूर्य, सूर्य, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर असीं दसना कि तत्सम केड़ा आ, सांप, सर्प, भुजंग के नाग, आपां कर रहे हैं, ये हैगा जी सांप, सॉरी सांप नहीं सर्प, सारे नाम सप दे ही आ, लेकिन इच सर्प, सर्प की आ जी जो संस्कृत तो आया वा, सो ये तत्सम आ, ठीक है, सांप तद्भव आ, बाकी ये पर्यायवाची आ सारे, ध्यान रखियो, ठीक है जी। नैक्सट 6 क्वेश्चन रह गए, एक बार फिर चैनल लाइक कर दियो, सबसक्राइब कर दियो। लेखक में अंत में इदा का, लेखक शब्द के अंत में इदा का क्वेश्चन आया सी, 66, 35, 23, 64 दोनों में आया सी, जो ईटीटी की भर्ती आई सी, बड़ा सौखा आया, दोनों बारी आंसर की सी अक, किसी किसी बुक च क भी दिता होया कला, लेकिन जो आंसर की च मनिया सी अक मनिया सी, चाहे 23, 64 का ले लो, चाहे 66, 35 का ले लो, अक आना भुलना नहीं, इदा के बहुत होंगे। इदा आया सी एक पाठक, पाठक आया सी, ओदे विच भी की है ना अक आना, ध्यान रखियो अक, ठीक है जी, अक आना प्रत्यय, ध्यान रखियो गलत नहीं करना, ठीक जी। अगला क्वेश्चन, चिरायु में, ये तो फिर आ गया मैं लगता, चलो चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिर, ये तो फिर आ गया, कोई गल नहीं, 39 में दा भी चिरायु, चल दे अगे। 40वां, तन्मय, हुण गलत नहीं करना, सोच लो तन्मय, जदों अद्धा न लग गया, ओ नहीं होना, तुसीं कहना अद्धा न ही आ सर, हलंत पाया वा, ओ नहीं, ये नहीं हैगा, की होना फिर? तत् प्लस मय, तन्मय हुंदा तत् प्लस मय, ठीक है जी। चलो जी, गलती नहीं करनी, गलती करांगे भारी पै जाना, लोगों ने अगे लंघ जाना, एक एक नंबर दे विच 20, 40, 40, 500 बंदा भी आ जांदा, ते फिर फिर आप उम्र के हिसाब से थोड़ी रहना कि अपनी उम्र वड्डी होगी तो आप अगे आ जाएंगे, इदा नहीं होना फिर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 41, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? जो साढ़े को सी ऑप्शन है ना,
ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਊ ਦ ਮਤਲਬ ਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲੰਤਾ ਪਲੱਸ ਸ਼ਵਾਸ ਮਤਲਬ ਆਹੀ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਆਂਸਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹੀ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਉਤ ਪਲੱਸ ਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਇਓ ਉਤ ਪਲੱਸ ਸ਼ਵਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤ ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਹਲੰਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਧਾ ਛ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਛ ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਛ ਤੇ ਨਾਲ ਛ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਉਰਮੀ ਕਾ ਵਿਛੇਦ ਕਾਵਿ ਪਲੱਸ ਉਰਮੀ ਆ ਨਾ ਕਰ ਦਈਓ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ ਬੱਚੇ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾਵਿ ਪਲੱਸ ਉਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੱਜਣ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੋਰੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੱਤ ਪਲੱਸ ਜਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ